Hello everyone, this is your online mentor Saurabh, Director Academics, Vidyamandir Classes Limited. Today we are going to tell you 5 points which will enhance your performance for the board exam. For whatever level of preparation you are at right now, these 5 points will help you to enhance your performance during the exam, right? So first point, health. हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है हम सारे लोगों के लिए, तो इसमें सबसे पहली बात यह ध्यान रखनी है कि जिस दिन एग्जाम हो उससे एक रात पहले आपको प्रॉपर स्लीप लेनी है, राइट? तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि कम से कम 6 to 7 hours ऑफ साउंड स्लीप आपके पास होनी चाहिए। दूसरा हेल्थ से रिलेटेड पॉइंट ये है, इसी में मतलब जो फर्स्ट पॉइंट हेल्थ की हम बात कर रहे हैं, कि आपकी बॉडी क्लॉक एग्जाम टाइम के हिसाब से ट्यून्ड होनी चाहिए। मतलब जिस दिन आपका एग्जाम नहीं है उस दिन 10 बजे से 1 बजे तक या जो भी आपका एग्जाम का टाइम है उस टाइम पर आप अपने घर पे सोएंगे नहीं बल्कि स्टडी टेबल पे बैठ के पढ़ेंगे और पूरे एग्जाम्स के पीरियड के अंदर आप एंटीऑक्सीडेंट्स को ज्यादा यूज करेंगे, फ्राइड फूड फास्ट फूड को अवॉइड करेंगे। सेकेंड पॉइंट, जब आप पेपर अटेम्प्ट करने जाते हैं तो देखिए ध्यान रखिए यू हैव टू स्कोर मैक्सिमम इन दैट पेपर और शुरू के जो क्वेश्चन होते हैं वो एक एक मार्क के होते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें ज्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चन कर लेने चाहिए जो 5 मार्कर हैं 6 मार्कर हैं। उससे क्या होगा कि आपका स्कोर इंक्रीज होगा। देखिए अगर आप छोटे क्वेश्चन पहले करते हैं एक एक मार्क्स के और अगर आपका छूटेगा तो सीधा 6 मार्क्स का क्वेश्चन छूट जाएगा या 10 मार्क्स का क्वेश्चन छूट जाएगा, राइट? अगर आपके 2 क्वेश्चन छूट गए तो, बट अगर आप बड़े क्वेश्चंस पहले कर लेते हैं तो अगर आपका टाइम कम हो गया तो आपका जो छूटेगा दैट विल बी ओनली 1 मार्कर क्वेश्चन, राइट? तो इट विल मेक मिनिमाइज योर लॉस, राइट? सो राइट क्वेश्चंस व्हिच हैव लार्जर वेटेज फर्स्ट एंड मेंशन द क्वेश्चन नंबर एंड सेक्शन करेक्टली। थर्ड पॉइंट है कि जहां पे हमारे पास डेरिवेशंस करने को आते हैं, राइट, या न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, तो जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है डेरिवेशन करने को आता है तो फाइनल आंसर का 0.5 मार्क होता है। देखिए सीबीएसई का एग्जाम कंप्लीटली स्टेप मार्किंग पर बेस्ड है, जो करेक्शन प्रोसीजर है दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन स्टेप मार्किंग। तो लास्ट का जो आंसर है वो 0.5 मार्क का है, तो अगर आप सारे स्टेप सही करते हैं और लास्ट में ऑपरेटर सही लगाते हैं तो सिर्फ आपका 0.5 मार्क कटेगा। तो इसलिए कैलकुलेशन करते समय डेरिवेशन करते समय ध्यान रखिए कि आप हर स्टेप को सही कर रहे हैं और अगर आप फाइनल आंसर भी सही लिखते हैं तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। फोर्थ पॉइंट, जहां पे आपको डायग्राम सप्लीमेंट करना है क्वेश्चन के साथ, डायग्राम हमेशा नीटली ड्रॉन होना चाहिए और करेक्टली लेबल्ड होना चाहिए। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि पेन से ही गंदा डायग्राम बना देते हैं, उसकी लेबलिंग प्रॉपर नहीं करते हैं, उस केस में मार्क्स कट जाते हैं। तो आप लोगों से को क्या करना है कि प्रॉपर डायग्राम ड्रॉ करना है पेंसिल से और उसकी प्रॉपर लेबलिंग करनी है। फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट, अगर आप वर्ड प्रॉब्लम कर रहे हैं या वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसके अंदर प्रॉब्लम का स्टेटमेंट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है और सारा न्यूमेरिकल डेटा ऊपर लिख देना जरूरी है। और वैल्यू बेस्ड अगर क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसमें कितनी वैल्यू लिखनी है ये डिपेंड करेगा कि वो क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। अगर वो क्वेश्चन 1 मार्क का है तो आपको 1 वैल्यू लिखनी है, अगर आप क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स का है फॉर एग्जाम्पल 3 मार्क्स का है तो एटलीस्ट आपको 3 वैल्यू लिखनी है, राइट? तो जैसे काइंडनेस, हेल्पफुलनेस, है ना, फ्रेंडलीनेस, व्हाटएवर जो भी वैल्यूज हैं वो आपको वहां पर कोट करनी है। और जो 1 मार्क का क्वेश्चन है वहां पे कीवर्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन का आंसर लिखते समय कीवर्ड ना भूलें। तो ये जो 5 पॉइंट है ये आपको करंट एग्जाम प्रिपरेशन पर मार्क्स स्कोर करने में बेटर हेल्प करेंगे और कोई भी पॉइंट आप इसमें से मिस मत करिए तो जो आपकी करंट प्रिपरेशन है उससे आपको ज्यादा अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। वी फ्रॉम द एंटायर विद्यामंदिर क्लासेस फैमिली विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑनगोइंग बोर्ड एग्जाम्स। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। Thank you.